दाई। तो ये है आकाश पाटिल जी, और ये जी नहीं लगाना चाहिए, ये मेरा क्लासमेट है। हम लोग साथ में इंजीनियरिंग में थे, हम और दो तीन और लोग हैं हमारे साथ, तो हम लोग ने सभी ने इंजीनियरिंग की, और उसमें से आधे से ज़्यादा हम यहाँ पे भी फार्मिंग में ही आ गए। तो मेरे फार्मिंग में आने से पहले आकाश बहुत ही पहले आ चुका था, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद आकाश की वजह से मैं फार्मिंग में आया हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला, मुझे पता चला इनसाइड आउट की क्या है क्या नहीं है। तो इनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, इन्होंने ड्रैगन फ्रूट किया, वैसे इन्होंने ये अपना पोमीग्रेनेट, इसको हमारे यहाँ डालिम बोलते हैं, अनार बोलते हैं हिंदी में, तो अनार की खेती भी इन्होंने की है। और ग्रेप्स तो हमारी पुश्तैनी है ही, ग्रेप्स हमारे दादाजी पिताजी तब से हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो ये एक अलग चीज़ है जो यहाँ पे होती है। अभी बहुत ही हाई लेवल पे होती थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बट अभी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, अभी ग्रेप्स को ज़्यादा डिमांड आ रही है। और इसे अनार के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सन 1400 के आसपास देखने को मिलते हैं, और ये यही वजह है कि इसे संस्कृत भाषा में अपना एक स्थान मिला है, और इसे संस्कृत में डाडिम कहा जाता है, और शायद इसीलिए मराठी में इसे डाडिम्ब नाम मिला है। पोमीग्रेनेट नाम इसे अंग्रेजों से मिला, क्योंकि पोमी का मतलब सेब होता है, एप्पल, एंड ग्रेनाडा ग्रेनेड का जो मतलब है वो सीड से लिया जाता है, तो इसे एप्पल वाले सीड्स या एप्पल विथ सीड्स ऐसा बोला जाता था। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसको सुना के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो इंडिया में अगर कल्टीवेशन की बात करें तो कुछ संदर्भ ऐसे दिखाए मिलते हैं कि मुगल अपने साथ आते वक्त पोमीग्रेनेट को लेके आए, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो फोकस था वो उससे बनी हुई वाइन, जो अनार की शराब जो बोला जाता है, तो उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था, तो वो अपने साथ लेके आए। बट मुगलों का एम्पायर कुछ कहीं पे फला कहीं पे फूला कहीं पे नहीं हुआ, तो इस वजह से उसका कल्टीवेशन कंटिन्यू नहीं रहा। बट अंग्रेजों के समय में उसका कल्टीवेशन वापस से स्टार्ट हुआ, इंडिया में बहुत जगह उगाया जाने लगा, और सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे हाउ डज इट ग्रो के पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को ये चाहिए होता है कि कैसे ग्रो किया जाए। इसके लिए भी सेम है, मैं आपको बोलूँगा इंडिया में ये कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो पहले तो मैं आकाश से ये पूछना चाहूँगा कि ये क्या, मतलब ये जो प्लांट है ये सीड से तैयार होता है या स्टेम से होता है, ये कैसे होता है तैयार? नहीं, इसकी नर्सरी रहती है। ओके, ये टिश्यू कल्चर पेड़ रहते हैं इसके, और ये हम लोग खरीद के लाना पड़ता है हम लोग को। ओके, टिश्यू कल्चर से बनता है क्या? हाँ। ये कहाँ पे बनता है ये? इसके बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। हाँ। ये हम जैन कंपनी का है, उनके पास से खरीद के लाए। अपना इरिगेशन वाले? हाँ, जैन इरिगेशन वाले। ओके ओके, हाँ मैंने सुना है जैन इरिगेशन वाले कुछ ज़्यादा टिश्यू कल्चर में काम करते हैं, बनाना के प्लांट तैयार करते हैं, फिर ये पोमीग्रेनेट के आपने बताया, और एयर लेयरिंग भी होती है इसके अंदर। हाँ, वो बगीचे में तैयार होता है। अच्छा, मतलब अगर बगीचे में आप इसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हो तो एयर लेयरिंग नाम की एक कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया है, गुट्टी कलम बोलते हैं उसको हिंदी में, तो अगर उसके ऊपर भी आपको एयर लेयरिंग क्या होता है उसके ऊपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता देना, मैं बताऊंगा आपके प्लांट लगे हुए प्लांट में ही एयर लेयरिंग कैसे की जाती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो आपने ये कितने रुपए में लाया और कब लाया था ये प्लांट? ये 6 साल पहले लाई थी नर्सरी हम लोग ने। अच्छा, वो जैन टिश्यू कल्चर से ख़रीदा था 36 रुपये में एक पेट। ओके, वो अभी 6 साल हो गए इसको। तो 6 साल पहले ये आपने लगाया था 6 साल पहले लगाया था हमने। अच्छा, तो इसके अंदर क्या स्प्रे वगैरह करने पड़ते हैं कुछ ऐसा? हाँ, इसमें रेगुलर स्प्रे करने पड़ते हैं, मतलब कीटनाशक वगैरह दवाई आपको, कीटनाशक और बुरशीनाशक की दवाई छिड़कनी पड़ती है हाँ। एक दो बार। ओके ओके, ठीक है, तो ये आपको रेगुलर जैसे हमारे बाकी के किसान खेती होती है उसी खेती के हिसाब से आपको कीटनाशक वगैरह इसके ऊपर करने पड़ते हैं, वो आपके पास अपना ऑप्शन है। कई लोग इसको ऑर्गेनिक रखना चाहते हैं, कई लोग रेगुलर कन्वेंशनल जो मेथड है उससे यूज़ करते हैं, तो जो सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो इसमें आपने पूरा ड्रिप सिस्टम किया हुआ है? ड्रिप सिस्टम किया हुआ है। तो ये कितने बाई कितने में लगाया जाता है? ये अभी 10x8 में लगाया है हमने। 10x8 में इसमें जितना ज़्यादा जगह होगा उतना अच्छा रहता है, क्योंकि ये पेड़ साल दर साल बढ़ता रहता है।
हाँ, तो इसके अंदर कटिंग भी होती है क्या? हाँ, इसके मतलब अब हमको जो छटनी करते हैं उसके बाद ये फल लगता है। साल में एक बार इसका कटिंग होता है। अच्छा, मतलब फ्रूट की हार्वेस्टिंग होने के बाद इसको कट करना पड़ता है। करना पड़ता है। तो कौन से महीने में कट करते हैं उसको? वो साल में दो बार कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो दो बार फल आता है क्या साल में? मतलब फल एक ही बार ले सकते हैं, लेकिन साल में दो बार रहते हैं, उसमें से कोई भी एक बार हम लोग कटिंग कर सकते हैं। ओके ओके, तो आप कौन से महीने में कट करते हैं और कब आपका उसका फल आता है बाहर? ये हम लोग जनवरी फरवरी में कटिंग करते हैं। okay. उसके बाद इसका सेटिंग होता है, उसके बाद ये लगने के बाद 5 महीना लगता है। 5 महीने में हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया लाल कलर के फ्रूट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बढ़िया, और अंदर से भी खाने में बहुत बढ़िया दिखते हैं। बट हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है होगा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ग्रेप से हम लोग ग्रेप में शिफ्ट हो गए हैं ज़्यादातर। जितने भी लोगों ने पोमीग्रेनेट ट्राई किया, बहुत से लोगों ने निकाल दिया है। उसके पीछे का रीज़न है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक रोग आते हैं, बराबर। तो वो कौन सा रोग है और किस तरह से क्या आता है वो? वो इसमें दो रोग आते हैं, एक है तेलिया और दूसरा बेबिया। उस पर अभी तक कोई भी दवाई, ऐसी स्पेसिफिक दवाई नहीं निकली कि वो उसका खात्मा कर सके। ओके, तो तेलिया रोग के बारे में तो मैं जानता हूँ, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कई कई प्लांट पे, ये इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे पूरा ऐसे क्रैकिंग हो जाता है। हाँ। क्रैकिंग होने के बाद ये फिर इसमें यहाँ पे अगर आप देख सकें तो इसमें कीड़े हैं, सड़ रहा होता है और बहुत सारे कीड़े हैं इसके अंदर, वो उड़ने वाले फ्लाइज जो रहती हैं वो इस पे आ जाती हैं। तो ये इसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ता है, ये इसके ऊपर सारी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी फिर हम आ जाते हैं अभी कमर्शियल के ऊपर। तो 1 एकड़ में लगाने का ऑलमोस्ट खर्चा कितना हो जाता होगा? इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 1 एकड़ में 1.5 लाख में हो जाता है पूरा खर्चा। ओके, मतलब ज़्यादातर खर्चा तो ड्रिप और नर्सरी का ही रहता है, बाकी तो हाँ, बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे कोई सीमेंट के सीमेंट के पोल्स वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है। कहीं पर आपको सपोर्ट के लिए बाम्बू वगैरह दे सकते हो अगर बहुत ही टहनी बाहर आ जाती है तो। फाइनल हम आ जाते हैं इसके कमर्शियल्स के ऊपर। तो कितना प्रॉफिट हो जाता है या कितने रुपए आपको साल में आप इसमें कमा सकते हो? ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है इसका, इसमें कम से कम 2 लाख के ऊपर हो जाता है, 10 लाख तक भी होता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है, रेट पे डिपेंड करता है, मतलब मार्केट के रेट के ऊपर, आपके वज़न कितना है, कलर कैसा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने बताई, और मैं भी आपको हमेशा यही बताऊँगा कि बहुत से आप वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पर, तो उसमें क्या होता है वो लोग ऐसा बोलते हैं कि 30 लाख कमाया, 40 लाख आया, करोड़ों कमाए, तो वैसा होता नहीं है। रियल प्रैक्टिस जो होती है वो आपको मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, आपको कितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो उस पर आउटपुट कितना आ रहा है, और फिर उसमें कोई रोग है, कीड़ा है, कलर है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, वो कैसा है वंस इन अ ब्लूम कोई एक आधा आदमी को आपको 2 करोड़ रुपये मिल गया होगा तो वो उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मगर वैसा होता नहीं है। हम वही ट्राई करेंगे जो रियल है, जो नेचुरल है, ग्राउंड लेवल पे जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड पोमीग्रेनेट पे, अनार पे। अनार के ऊपर आपको और डिटेल में अगर चाहिए, क्या स्प्रे होते हैं, कैसे लगाया जाता है, कौन से सीज़न में होता है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मेरे दोस्तों की है, इंडियन फार्मर का है अगर आप चाहते हो तो, संतोष भाई ने भी बनाया इनके ऊपर, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। हमारा काम ज़्यादातर है कि इसको स्प्रेड करना, लोगों को पता चले इसके बारे में। अगर आप इन डेप्थ चाहते हो तो आपको और भी वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको ऐसे ही ब्रीफ में छोटे वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करो, और अगर आपको और कौन सा वीडियो अगर आपको देखना है तो उसके नाम मुझे नीचे कमेंट में बताओ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में बताओ, और आपको कौन सा वीडियो देखना है, किस फ्रूट के बारे में जानना है, उसके लिए भी हमें नीचे कमेंट में बताओ। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।